भाई इतना ही बोल सकता हूँ कि जन्नत में पहुँच चुका हूँ जिस जगह अभी मैं हूँ खड़ा हुआ। आते वक्त व्यू देखता आया हूँ वो सब आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। जिन रास्तों से मैं जा रहा हूँ ना मुझे लगता है आपको दिखाना ही बेहतर है। ऐसे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ इतने ऊंचे हैं मैंने तो पहली बार देखे हैं ऑनेस्टली। मेरा वैली हॉस्टल जो है ज़्यादा नहीं है तो उससे 2 मिनट का रास्ता है रेलवे स्टेशन से। ये स्टेशन है मेरे पीछे और जो मेरा हॉस्टल है वो शायद यही है और ये ट्रेन स्टेशन है जहाँ अभी मैं उतरा हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत गांव कहीं नहीं देखा। और ये देखो सामने और ये रहा मेरा हॉस्टल वैली हॉस्टल, सामने लिखा हुआ आ गया। शाम के यहाँ 9 बज चुके हैं और दिन ऐसे निकला हुआ जैसे अभी शाम के 4-5 ही बजे हैं। खैर एक आपसे बहुत ज़रूरी एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके साथ भी आपको भी पता लगे कि मेरे साथ अभी स्विट्ज़रलैंड आते आते क्या हुआ। जब मैं बस में आ रहा था और हमारी जो बस है वो स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर पहुँची, मतलब स्विट्ज़रलैंड के अंदर एंटर कर गई। हम एंटर हुए थे इस वक्त आज बासिल की तरफ से, एक शहर है मैं उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से। बासिल की तरफ से एंटर हुए, जब ही एंटर हुए तो हमारी बस अंदर ही शायद बासिल के स्टैंड पर ही ना ड्राइवर ने बस रोक दी और हमें कहता कि 15 मिनट की ब्रेक है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली सारे कुछ बंदे निकल के बाहर आ गए बस में से। अच्छा जब ही बस में से हम निकल के बाहर आए हैं 5 मिनट बाद ना 2 बंदे कैजुअल कपड़ों में, एक ने निकर डाली हुई थी एक ने, दोनों ने मतलब वो स्नीकर्स होती हैं जो निकरें डाली हुई थी बरमूडास, और एक ने दोनों ने टी शर्ट्स डाली हुई थी, पीछे बैकपैक था, ठीक है। तो अचानक मेरे पास आए, कहते हम बॉर्डर पुलिस से हैं, बॉर्डर पुलिस कंट्रोल से हैं, तो अपना कोई आईडी या पासपोर्ट दिखाइए। हम बस के एकदम बाहर ही खड़ा होता गेट के, मतलब दरवाजे के एकदम बाहर। तो पहली बारी में तो मैं उनको सीरियस लिया नहीं, मैंने कहा स्कैमर स्कूमर हैं ये कोई, और कोई ऐसे मतलब बॉर्डर कंट्रोल वाले बंदे ऐसे थोड़ी आएंगे, वो तो यूनिफॉर्म में आएंगे ना लगभग, कम से कम कोई यूनिफॉर्म होगी या पुलिस की गाड़ी होगी या जो भी, या बॉर्डर चेक पॉइंट पर रोकेंगे। ये थोड़ी कि आपने कोई भी आए अपना आईडी कार्ड दिखाया, ये देखो जी मेरा आईडी कार्ड है, मैं उसके ऊपर लिखा हुआ था आईडी कार्ड के ऊपर बॉर्डर पुलिस, वो तो कोई भी फेक कार्ड कूड कुछ भी बनवा दे। और मैंने कहा जब कपड़ों से नहीं लग रहे आपकी यूनिफॉर्म नहीं है तो काहे का बॉर्डर कंट्रोल, तो कहते पासपोर्ट दिखाइए। तो मैंने ऐसे ही, मैंने उनको इतना सीरियसली जवाब नहीं दिया, मैंने कहा पहले मैंने कहा क्यों दिखाऊं, मैंने कहा मैं ऑलरेडी ड्राइवर को दिखा चुका हूं जब बस में एंटर करने लगे थे जब मैं चला था वियना से, तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया अपना जो पासपोर्ट है। तो कहते नहीं नहीं पासपोर्ट हमें यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, मैंने कहा मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं ऑलरेडी ड्राइवर को दिखा चुका हूँ। मुझे क्योंकि स्कैमर लग रहे थे जैसे वो बातें कर रहे थे, जैसे बोल रहे थे वो, ठीक है, हाथ में आप एक शॉर्ट्स डाल के आए हो मेरे पास और आपने एक टी शर्ट डाली हुई है कैजुअल सी और कह रहे हो कि मैं बॉर्डर पुलिस से हूँ, तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, ठीक है। नहीं मैंने ये कह दिया कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, कहते
अगर आप ये नहीं दिखाते हो ना हमें, तो आपको फिर हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो कुछ स्कैम ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसे ही फील हो रहा था। अब खैर वो आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ, स्कैम था कि नहीं, लेकिन मुझे लगा कि चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। तो मैंने कहा मैं एक बार ड्राइवर से बात करता हूँ, ठीक है, मैं पूछूँ कि भैया ये जो दो बंदे हैं ये शॉर्ट्स में बगैर किसी यूनिफॉर्म के, हाथ में बस एक वो कार्ड लेके, वो कार्ड तो कोई भी फेक कार्ड कोई भी लेमिनेट करके बना ले यार। तो मैं कहा ड्राइवर से एक बार मैं बात करता हूँ कि ये कौन है, ये रियल पुलिस है कि कुछ, मतलब उसको पता होगा ड्राइवर को। तो मैं ड्राइवर के पास गया तो मैंने उनसे पूछा, तो पहली बात तो मुझे उनसे कोई भाषा समझ नहीं आई। तो फिर बाद में मैंने कहा रियल पुलिस, ड्राइवर से मैंने इशारा करके पूछा, थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी लेकिन मुझे शायद लगा कि उन्होंने कहा हाँ। जब भी उन्होंने हाँ कहा मैं चुप करके, मैंने कहा अब दिखा देना चाहिए, मैं बस के अंदर गया हूँ और वो भी मेरे साथ आए हैं। मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिखाया ईमानदारी से, क्योंकि ऑब्वियसली जब ड्राइवर ने मुझे ये थोड़ा सिग्नल दे दिया कि हाँ ये सही है, मतलब शायद सही पुलिस है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा कोई बहसने का तरीका नहीं, मैंने पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने पासपोर्ट की मेरे फ़ोटो ली और फिर उसके बाद पूरी बस के सबके पासपोर्ट उन्होंने या आईडी कार्ड चेक करने शुरू कर दिए, जितने भी लोग बसों में बैठे थे। लेकिन मुझे एक बात लग रही है कि आप जब चेकिंग के लिए आ रहे हो एक पर्टिकुलर, मैं शायद गलत नहीं हो सकता है इसमें, कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में होना चाहिए ना, और फिर उसके बाद ना आपकी कोई पुलिस की गाड़ी ना कुछ, ना वो कोई सिग्नल था, ना कोई बॉर्डर कंट्रोल पॉइंट था, वो एक आम स्टॉप था जहाँ ड्राइवर ने 15 मिनट के लिए गाड़ी कह के रोकी थी। कैजुअल सी आपकी लुक एंड फील है, पीछे बैकपैक रखा हुआ है, शॉर्ट्स डाली हुई हैं, टी शर्ट डाली हुई है, और आपको कोई भी आके कह रहे कि अपना पासपोर्ट दिखाओ। ये मुझे बात बड़ी थोड़ी सी अजीब सी लगी, इसलिए मैंने रेजिस्ट किया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा उन्होंने पूरी बस में जितने भी बंदे बैठे थे सबके चेक किए, तो इसका मतलब शायद हो सकता है कि वो जेन्युइन बंदे ही हों, क्योंकि ड्राइवर भी ऐसे किसी को भी अपनी बस में कैसे चढ़ने देगा। तो खैर ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा मिला जुला एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे शायद लगा कि यूनिफॉर्म में होना चाहिए यार। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कोई निकरों में आ रहा है, टी शर्ट डाली हुई है, हाथ में बॉर्डर कंट्रोल का एक आईडी कार्ड पकड़ा हुआ है, कैजुअली से कह रहे हैं कि, और कहते कहते कि अगर आप नहीं दिखाते तो फिर आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्या खैर ये था मेरे साथ जो भी हुआ, मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। करते करते ये कितनी शानदार जगह आ गई यार, ये आपको एक बार दिखाऊँ मैं। किस्म का झरना है जिसके पास में चलता चलता आ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो वाला झरना, ये देखो अगर दिख रहा है आपको, मतलब ये है तो सही गांव, लाजवाब है यार, इसका कोई जवाब नहीं है। लॉटर ब्रुनन इंटरलेक के आगे है, ज़्यादातर लोग इंटरलेक में रुक जाते हैं। इंटरलेक भी बहुत खूबसूरत है, इंटरलेक एक बकायदा टाउन है जिसको आप टाउन कह सकते हो, जिसको आप एक छोटा कस्बा कह सकते हो, ये एक छोटा गांव है।